अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर, ओके नहीं ओके सर। देखो ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन। अभी दिख रही है? हाँ सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली आप देखो, जब भी आप सर्कुलर मोशन किसी भी चीज को करवाते हो तो उस केस में आपको एक ऐसा फोर्स चाहिए जो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, क्योंकि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड अगर कोई फोर्स मिलेगा उसको तो वो बेसिकली उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह के केसेस में जो कॉमनली आपको दो सिचुएशन जो दिखेंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे, जैसे एक केस तो आपका सिंपल पेंडुलम वाला ही केस है, तो सिंपल पेंडुलम वाले केस में आपको देखना है सिचुएशन जैसे एक फिक्स सपोर्ट से एक स्ट्रिंग को ऐसे लटका दिया एंड उसको एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया, इसको एक वेलोसिटी दिया मान लेते हैं वेलोसिटी वी नॉट एंड देके छोड़ दिया है। तो इस केस में अगर ये सफिशियंट वेलोसिटी इसके पास है तो ये सर्कल कंप्लीट कर सकता है। अब सफिशियंट वेलोसिटी होने का मतलब क्या, उसका बात थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बात करते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए बस इतना सोचो कि सर्कल कंप्लीट कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो अगर ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो किसी आर्बिट्री पोजिशन पे अगर मैं इसको दिखाऊं, लेट अस से कि ये आर्बिट्री पोजिशन पे है यहाँ पे, तो इस आर्बिट्री पोजिशन पे अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे? अगर यहाँ पे आप दिखाओगे तो एक टेंशन ऑफ स्ट्रिंग होगा जो टुवर्ड्स द सेंटर, एक ग्रेविटेशनल पुल होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, और आपको पता है कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन चाहिए इसको। तो अगर आप सोचोगे इसका एक वेलोसिटी, अगर मैं वी बोलूं, लेट अस से इसकी वेलोसिटी वी है, तो इसका सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन इसको चाहिए वो उसको कौन देगा बताओ मुझे, कौन देगा उसको सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन? कौन टेंशन देगा? टेंशन टेंशन अकेला देगा? एमजी का कोई कंपोनेंट दिख रहा है आपको नहीं, वहां पे? कंपोनेंट एमजी का एक कंपोनेंट है, मतलब रिजल्टेंट देगा। दैट्स इट एग्जैक्टली। तो यहां से अगर आप नोटिस करोगे तो ये एंगल थीटा है इधर से, तो एमजी का एक कंपोनेंट भी तो है इधर, सो दिस इज एमजी का cos थीटा एंड एमजी का cos थीटा और टी ये दोनों मिल के लिए क्या करेंगे, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो टेंशन माइनस एमजी cos थीटा, फिर मिट गया वो, क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज हैपनिंग? स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है बेटा? अभी एक बार कंफर्म करो। हाँ सर, हाँ सर, ये बार बार मिट क्यों जा रहा है? जो भी दिख रहा है, एक मिनट रुके, मुझे एक बार जल्दी से बिला लीजिए इसको। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे इसको अगर अगर ये सर्कुलर पाथ में बाउंड है तो इसके पास डेफिनेटली एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन बेसिकली वी स्क्वायर बाय एल का चाहिए, जहां एल बेसिकली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो ये बेसिकली टेंशन और एम जी कॉस थीटा मिल के प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो टेंशन के बिना क्या ये सर्कुलर मोशन हो सकता है? सोच के देखो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं, नहीं सर, नहीं, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल ही हो जाएगा ना, इट विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि आप एक वेलोसिटी देके छोड़ोगे और उसके बाद फिर उसको उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, तो उसके से उसका उसका पाथ कैसा होगा बताओ खुद ही? पैराबोलिक। पैराबोलिक होगा ना, तो पैराबोलिक हो जाएगा, सर्कुलर मोशन कभी नहीं हो सकता है। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए आपको उसको बांध के तो रखना पड़ेगा, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब है कि कोई इसको बांध के रख रहा है बेसिकली, समझ आ रही है? ये तो एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि जैसे इमेजिन करो कि ये सिचुएशन में मतलब आपको ये इमेजिन करना है कि चारों तरफ से क्लोज सर्फेस है बेसिकली, और इस ट्रैक इमेजिन करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट को आप पुश करके छोड़ देते हो, जैसे एक ब्लॉक है और इसको आपने क्या किया, एक वेलोसिटी वी नॉट देके छोड़ दिया है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पे है। तो इस केस में ये ऊपर चढ़ेगा तो इसको थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर दिखाएं, जैसे मान लेते हैं इनिशियली यहाँ पे इस लाइन पे था और थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच चुका है, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, इसकी वेलोसिटी को मैंने वी दिखा दिया,
मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा हो चुका है, तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्सेस आप दिखाओगे तो क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे? एक होगा ग्रेविटेशनल पुल एमजी, और एक सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन देखोगे अगर, तो नॉर्मल रिएक्शन बीइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या ये सेंटर से पास करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। तो देखो फर्स्ट डायग्राम में, देखो फर्स्ट डायग्राम में जो रोल टेंशन प्ले कर रहा है, सेकेंड डायग्राम में वही रोल क्या नॉर्मल रिएक्शन प्ले कर रहा है? ये एंगल अगर देखोगे तो आप वापस से ये mg cos थीटा फिर से यही आएगा। तो दोनों डायग्राम में कोई डिफरेंस ही नहीं है। देखो द ओनली डिफरेंस इज टेंशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको रियलाइज हो रहा है ये? हां सर। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको ये समझ आना चाहिए कि जब भी हम वर्टिकल प्लेन में एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाते हैं तो फिर उस केस में अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स कोई एक ऐसा फोर्स चाहिए जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होगा। ठीक है, अगर वो फोर्स आप नहीं दोगे तो ये कभी भी सर्कुलर मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? यस सर। नाउ नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज, हाँ ठीक है अभी, नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज कि जैसे अगर मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि नो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए मैंडेटरी क्या है, तो ये तो आपने बता दिया कि नो मैंडेटरी क्या है कि यू नो जो एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट डायग्राम को ले लो, तो फर्स्ट डायग्राम में टेंशन पक्का है होगा ही होगा जब तक ये पेंडुलम जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस नहीं करता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब कि ऐसा एक पोजीशन सोचो, मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये लाइन, देखो ये वाला लाइन को जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, मतलब बॉब जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करता है तब तक स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा सोच के देखो, क्योंकि mg cos थीटा उसको नीचे खींच रहा है, मतलब यू नो अवे फ्रॉम द सेंटर खींच रहा है, तो उस पुलिंग फोर्स के अगेंस्ट टेंशन तो जनरेट होगा ना, सोच के देखो। अगर वेलोसिटी जीरो भी हो गई, सोच लो कि उस थीटा वाले पोजीशन पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो भी हो गई, तो भी mg cos थीटा वाला जो फोर्स है उसके अगेंस्ट तो टेंशन जनरेट होगा ना। Are you getting it? इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक ये स्ट्रिंग स्लैक कर ही नहीं सकता, मतलब टेंशन छूट ही नहीं सकता यहाँ पे, मतलब टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता है। बट हाँ, एक बार अगर ये यू नो ये वाले पोजीशन को क्रॉस करता है, इमेजिन करो कि ये इस वाले पोजीशन पे आ गया है, यू नो ऊपर वाले कहीं पोजीशन पे आ गया है, तो अब देखो स्लैक करने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, स्लैक करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्सेस दिखाऊं, सोच के देखो, ये देखो की तरफ, और सोचो कि आपने अगर टेंशन इस तरफ दिखाया, लेट्स से कि आपने टेंशन इस तरफ दिखा रखा है, ठीक है, अब इधर से मान लेते हैं कुछ एक एंगल, लेट्स से ये एंगल कुछ एक अल्फा है, ठीक है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो इस तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा आपका mg cos अल्फा, और यहां भी कुछ एक वेलोसिटी हो चुकी होगी, लेट्स से ये कुछ एक v' हो गई, ठीक है, तो अगर ये v' है तो ऑब्वियसली इसके पास एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए, कितना का v' का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय l होना चाहिए। अब एक चीज सोच के देखो, ऑलरेडी देखो mg cos अल्फा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है या नहीं है? है सर। नीचे वाले पोजीशन में देखो mg cos थीटा जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर डायरेक्टेड है, जबकि ऊपर वाले पोजीशन में mg cos अल्फा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब ऊपर वाले पोजीशन में mg cos अल्फा कैन बी सफिशियंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीपेटल एक्सेलरेशन, राइट? कैन बी मैं बोल रहा हूँ, विल बी नहीं बोल रहा हूँ, कैन बी, हो सकता है नहीं हो सकता, राइट? अगर वो सफिशियंट नहीं हुआ तब टेंशन आएगा, बट अगर वो सफिशियंट हुआ तो क्या टेंशन जनरेट होगा? नहीं सर। और अगर टेंशन जनरेट नहीं हुआ तो क्या होगा? स्लैक कर गया ना आपका स्ट्रिंग? यस सर। और अगर स्ट्रिंग स्लैक कर गया तो आप पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक, क्योंकि वो तो फ्री फॉल ग्रेविटी हो गया, राइट? इसका मतलब इस पोजीशन के बाद वो एक पैराबोलिक पाथ में गिरेगा, वो अब सर्कुलर मोशन में रहेगा ही नहीं। इसका मतलब सर्कल कंप्लीट करने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, सोच के देखो, मैंडेटरी कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? राइट, तो स्ट्रिंग का यू नो जो स्ट्रिंग, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करानी है तो स्ट्रिंग का टाइट होना एक मैंडेटरी कंडीशन है, और स्ट्रिंग का स्लैक होने का चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे बताओ? टॉप मोस्ट पोजिशन पे। तो आप एक चीज श्योर होकर कह सकते हैं कि अगर ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर स्लैक नहीं किया है तो बाकी कहीं स्लैक नहीं करेगा, कह सकते नहीं कह सकते? ठीक है, सो इफ इट इज नॉट स्लैकिंग एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इट विल नॉट स्लैक एनीवेयर बिफोर इट। आर यू गेटिंग इट?
तो ये वाली जो कंडीशन मैंने आपको बोली है ना, इसको क्रिटिकल कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्रिटिकल कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट को अगर मुझे सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग कभी भी स्लैक नहीं करता है, और स्ट्रिंग स्लैक करने का चांसेस सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट पोजिशन पे है। तो अगर स्ट्रिंग टॉप मोस्ट पोजिशन पे जस्ट स्लैक करता है, मतलब उससे जस्ट पहले था टेंशन, बट जैसे ही टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचा तब स्ट्रिंग स्लैक कर गया सपोजली, तो भी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सोच के देखो, टॉप मोस्ट पोजिशन पे स्ट्रिंग स्लैक किया है मतलब टेंशन जीरो हुआ है, बट वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ था। और अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है तो उस केस में वो इनर्शिया की वजह से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर। हाँ सर, इनर्शिया तो है उसके पास मोशन का, तो इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। और जैसे ही आगे बढ़ गया तो उसके बाद तो फिर से टेंशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ सिमेट्रिकल है या नहीं है? है सर, हाँ है। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के राइट में अगर उसके पास एक टेंशन था तो लेफ्ट हाफ में भी तो टेंशन आ ही जाएगा ना। आई गेटिंग इट? हाँ सर। तो उस केस में आपका सर्कल वो कंप्लीट कर लेगा। तो इसी से बेसिकली आपको पता चलता है क्योंकि ये वी नॉट जो है, इसका एक सर्टन मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। जो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जो मैंने वेलोसिटी दिखा रखा ना, इसका एक सर्टन मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर पाए। ठीक है? और सर्कल को कंप्लीट कर पाए जो क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल कंडीशन आपको ऑलरेडी बता दिया। क्रिटिकल कंडीशन क्या था? स्लैक एंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर वहां पे स्लैक नहीं किया तो फिर वेल एंड गुड, वो सर्कल कंप्लीट करेगा ही करेगा। बट अगर जस्ट स्लैक कर गया तो भी वो सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। समझ आई आपको? यस। ठीक है, जो चीज मैंने यहां पे डीआर डिस्टेंस से क्या 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 मतलब डीआर है, डीआर डिस्टेंस से अगर स्लैक कर गया तो वहां पे नहीं होगा। डीआर डिस्टेंस मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस, मतलब डीआर नेग्लिजिबल डिस्टेंस। नहीं नहीं, मतलब बता रहा हूं, जस्ट मतलब डीआर बोल रहा हूं उस। अरे जस्ट स्लैक करने का मतलब है टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन जीरो होना, उससे पहले नहीं था, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझाया ऑलरेडी जो मैंने, वो आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसको जस्ट मेंशन कर देता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स will always be acting the in vertically downward direction irrespective of the location of object performing motion, मतलब vertical circular motion, ठीक है? When the object is in the lower half of circle, then the component of mg will be away from center due to which the string will always remain taut मतलब tight, ठीक है, taut in lower half irrespective of whether the velocity is zero or non-zero. Velocity is zero or non-zero. But when it reaches the upper half, the
the component of mg is directed towards center, which may be sufficient to provide the required centripetal acceleration at an instant. In such case, the string will slacken. And hence, tension becomes zero. Thereafter, the object will become a projectile, and hence will leave circular path and fall down in a parabolic path. Okay. Thus, to complete the vertical circular motion, it is mandatory that the string should not slack anywhere till it reaches the topmost point. Okay. String should not slack anywhere till it reaches the topmost point. Critical condition for vertical circular motion. ये मेंशन कर देता हूँ. ये चीज जो लिखी हमने, this is critical condition. Critical condition for vertical circular motion. ठीक है. Okay. अब इसके calculations पे आते हैं. ठीक है. मैं एक बड़ा सा circle draw करता हूँ पहले. अब बस कैलकुलेशन है. थ्योरी आपको ऑलरेडी समझा दिया, अब बस कैलकुलेशन करना है. सर बोलिए बेटा. सर टॉप मोस्ट पॉइंट में भी स्लैक नहीं करेगा, ऐसा कोई कंडीशन होता है? हाँ, अगर आप जैसे मान लो कि मैंने, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैक करने के लिए जो मुझे नीचे में वेलोसिटी देना पड़ेगा, मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड का है, अगर आप 10 मीटर से कम वेलोसिटी दोगे तो इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले ही वेलोसिटी, मतलब कहीं पे स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा. बट अगर 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी दिया आपने नीचे में, तो इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब भी वो कभी स्लैक नहीं करेगा. तो दैट इज वेल एंड गुड. ठीक है. तो उस केस में बेसिकली, जैसे अगर बोलते नहीं कि गेस्ट को खिलाने के लिए कम से कम कितना खाना मुझे लेना पड़ेगा, तो कम से कम जितना खाना लेना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा ले लिया तो क्या खिला पाओगे, नहीं खिला पाओगे? सर खिला पाएंगे. तो वही चीज है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैक नहीं किया, तो इसका मतलब ये श्योर हो जाओ कि वो सर्कल कंप्लीट करेगा हर केस में. समझ आ रही है? टू कंप्लीट द सर्कल, a certain minimum velocity is required to be given at the bottom most point. If you give a velocity lesser than that value, it will not be able to complete the vertical circle. But if you are giving a velocity which is greater than that particular value, it will definitely complete the vertical circle. Okay, sir. Thank you.
ठीक है, देखो मैं बॉटम मोस्ट पोजिशन पे अभी इसको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है मैं इस वेलोसिटी को v नॉट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज v नॉट, यहाँ पे एंगल थीटा मार्क कर रहे हैं, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को मैं v थीटा मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, इसलिए यहाँ पे एक पोजिशन है, यहाँ पे वेलोसिटी, लेट अस से इनको पॉइंट्स को कुछ नाम देते हैं, ए बी एंड लेट अस से टॉप मोस्ट पोजिशन सी है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे वेलोसिटी को मैं वी बी दिखा रहा हूँ, एंड जो टॉप मोस्ट पोजिशन है उस पर वेलोसिटी मैं वी सी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब और भी फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं वो भी एक बार दिखा देते हैं, जो बॉटम मोस्ट पोजिशन होगा वहां पे टेंशन टी ए, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एम जी, एंड सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई एल, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एंगल थीटा पे अगर आपको दिखाना है तो एम जी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंगल थीटा इज हियर, सो दिस कॉम्पोनेंट विल बी एम जी कॉस थीटा, टेंशन विल ऑब्वियसली बी हियर, एंड सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन यहाँ पे चाहिए दैट विल बी वी एट एन एंगल थीटा का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे जब आप जाओगे तो एम जी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन विल बी, अच्छा टेंशन जो सेकंड पोजिशन में मैंने लिखा वहाँ थीटा लिख रहे हैं, ठीक है, टी थीटा, जो हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे भी आएंगे तो टेंशन टी बी लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन चाहिए इसको दैट विल बी वी बी का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एल। टॉप मोस्ट पोजिशन पे लिखोगे तो एम जी भी डाउनवर्ड्स है और टेंशन भी डाउनवर्ड्स है, टेंशन एट सी, एंड इस पे एक्सेलरेशन जो होना चाहिए दैट विल बी वी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई एल, राइट। देखो तो एक बार सारे वैल्यूज आपको समझ आ रहे हैं? Yes, ठीक है, अब बस इनके लिए इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मार्किंग ऑलरेडी कर दिया मैंने, अभी देखो तो क्रिटिकल कंडीशन हमारे लिए क्या था, क्या बताया आपको क्रिटिकल कंडीशन क्या था, टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर कंडीशन लिखे आप, ठीक है, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ एट सी, सिर्फ सी पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स डायग्राम से इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, टेंशन एट सी प्लस एम जी दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू वी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई एल, मिलेगा आपको, देखो तो टेंशन एट सी मिल गई आपको एम इंटू वी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस ऑफ एम जी, एंड बाय कंडीशन दिस टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट और नॉट, राइट। दिस वॉज द क्रिटिकल कंडीशन, राइट। सो यहाँ से m देखो हट गया और देखो यहाँ से vc का वैल्यू मिल गया है, सो vc शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर जी एल, आ रही है क्या, देखो तो यस सर, हाँ सर, इसका मतलब अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को आपको रूट अंडर जी एल से ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर रूट अंडर जी एल से कम है तो समझ जाओ कि बेसिकली वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर सकता, उससे पहले ही कहीं स्लैक कर जाएगा, समझ आ रही है, आर यू गेटिंग इट? नाउ जस्ट नोटिस वन थिंग, जैसे क्या क्या फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, एक है mg और एक है टेंशन, राइट। बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर हम निकालें फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, देयर शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट कैन टेंशन परफॉर्म वर्क ओवर हियर? Can tension perform work? No sir. So ये तो आपको sure हो गया. And आपको याद है कि जब भी gravitational force is the only force performing work on the object, हम v square equal to u square minus 2gh कर सकते थे. याद है आपको? Yes sir. तो इसका मतलब मैं directly उस relation को लिख लेता हूँ. So velocity अगर मैं किसी भी upper वाले point पे निकालना चाहता हूँ, ठीक है? Upper वाले point पे. तो velocity at upper point का square will be equal to velocity at lower point का square and minus of 2g into h, लिखेंगे ना ऐसा? Awesome. ठीक है, अब आप देखो पॉइंट ए और पॉइंट सी को कंपेयर करो, हाइट का चेंज कितना है आप ये बताओ मुझे? 12. तो इस 12 वाले कंडीशन को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट। सो देयरफॉर बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी के बीच में ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर and minus of 2g into 2l, ऐसे लिखेंगे आप? Yes. हाँ सर. Okay. Now you have already found out that vc was greater than equal to root gl, so vc का square will be greater than or equal to gl. True.
तो देखो तो वी नॉट का वैल्यू आपको मिल गया क्या, वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना गया रूट अंडर 5gl, दिख रही है आपको, दिख रही है? हाँ सर। तो अगर आपको सर्कल कंप्लीट कराना है, सोचो अगर आपको सर्कल कंप्लीट कराना है वर्टिकल सर्कल, तो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को आपको कम से कम रूट अंडर 5gl का वेलोसिटी देना पड़ेगा। अगर आपने इससे ज्यादा वेलोसिटी दिया तो वेल एंड गुड, वो सर्कल कंप्लीट करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होगा। अगर आपने एग्जैक्टली रूट अंडर 5gl का वेलोसिटी दिया तो उस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने से पहुंचते वक्त ही जस्ट उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। और अगर आपने रूट अंडर 5gl वेलोसिटी से कम दिया है तो उस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले ही उसका कहीं टेंशन जीरो हो जाएगा, और उस केस में स्ट्रिंग क्या होगा आपका स्लैक कर जाएगा, उसका पाथ कैसा हो जाएगा पैराबोलिक हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? Position to complete vertical circle is root under 5gl। समझ आइए सभी को? अब इसके आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमने ये वाला वेलोसिटी दे दिया है, अब वेलोसिटी एट बी निकालते हैं, ठीक है? वेलोसिटी एट बी निकाले तो फिर से वही कंडीशन लिखते हैं, वेलोसिटी एट ए का, जैसे वेलोसिटी एट कहीं से भी ए और बी के बीच में ही वक्र इंटीग्रल लगा लो या बी और सी के बीच में ही लगा लो, एक ही बात है, तो किसी एक पॉइंट से लगा लेते हैं। सो फ्रॉम, अच्छा एक काम करते हैं, अभी इससे हम क्या करते हैं, टेंशन एट ए निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एट ए तो पता चली गया है रूट अंडर 5gl से बड़ा होना चाहिए। तो टेंशन एट ए निकालने के लिए हम कर सकते हैं ना, टेंशन एट ए माइनस एम जी इक्वल टू एम इन टू वी नॉट स्क्वायर बाय एल, लिख सकते हैं? तो वो कंडीशन देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एट सी एट ए लिख रहा हूँ, नाउ एट ए, ए पे इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल बी टेंशन एट ए माइनस ऑफ एम जी, सॉरी एम जी इज इक्वल टू एम इन टू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई एल, राइट? नाउ वी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl, तो वी नॉट का स्क्वायर विल बी 5gl उससे बड़ा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एम जी, लिख सकते हैं क्या? देखो तो वी नॉट का वैल्यू 5gl से, तो वी नॉट का स्क्वायर 5gl से तो बड़ा है ना, तो 5gl डाल दो वी नॉट का स्क्वायर की जगह, तो कितना आ रहा है 5mg आ रहा है ना, राइट? यस सर। तो और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इक्वल टू नहीं क्योंकि वेलोसिटी भी उससे बड़ा होना चाहिए। तो देखो तो आपको टेंशन का वैल्यू मिल गया क्या, टेंशन एट ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5mg प्लस 1mg व्हिच इज 6mg, दिख रही है? तो टेंशन बॉटम मोस्ट पोजीशन पे कितना होना चाहिए, 6 mg से बड़ा होना चाहिए। गेटिंग इट? यस सर। अगर अगर टेंशन बॉटम मोस्ट पोजीशन पे 6 mg है तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे कितना होगा, 0 mg, क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे तो हमने वो कंडीशन लिया था ना, टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद है आपको? यस सर। ये तो हमारा क्रिटिकल कंडीशन था, देखो ये क्रिटिकल कंडीशन था ना हमारा, राइट? दिस वाज द क्रिटिकल कंडीशन, तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही कंडीशन को यूज करके हम सारे पॉइंट का देखो वेलोसिटी और टेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है? वो कंडीशन ध्यान रखना। अब टेंशन एट ए भी मिल गया है, अब हम आते हैं बी पे, बी पे कैलकुलेशन करेंगे अभी, ठीक है? तो बी पे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, सो बिटवीन ए एंड बी कर लेते हैं, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, तो वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर विल बी वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर व्हिच इज वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2g into l, राइट? हाइट का चेंज कितने का है, l का है ना, a और b में, देखो आप a और b के बीच में हाइट का चेंज कितना है, l का है, तो बस उसी को यूज कर रहे हैं, देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब v नॉट आपको पता है, v नॉट वाज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 5gl, तो v नॉट का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl, सो 5gl माइनस 2gl बिकम्स 3gl, सो देयरफॉर this becomes greater than or equal to 5gl minus 2gl which is 3gl and therefore vb becomes greater than or equal to root under 3gl, got it? dikh raha hai aapko? yes sir. haan sir. ab since b pe aapko velocity mil chuka hai to ab aap b pe tension bhi nikal sakte hain, tum notice karo except
accepting the horizontal position, accepting the horizontal position, there is no other point जहां पे mg का component towards the center नहीं है. दिख रहा है आपको? देखो lower वाले position पे mg का component, lower वाले position पे mg का component is away from the center. ऊपर वाले point पे mg का component was towards the center. But ये जो horizontal position है देखो, उसमें mg का radius vector के साथ जो angle है देखो 90 degree है. दिख रहा है आपको? इसका मतलब mg का वहां पे कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो टेंशन है वही तो m into v square by r हो जाएगा ना, राइट? हां सर. हां सर. तो वहां पे tb का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे मास into vb का स्क्वायर बाय l, तो वही लिख रहे हैं. ठीक है, तो एट b अब लिखेंगे. सो नाउ व्हाट यू राइटिंग इज एट b tb शुड बी इक्वल टू m into vb का स्क्वायर डिवाइड बाय l. And VB is greater than or equal to root under 3GN. So this becomes greater than or equal to 3MG. So therefore tension at B, this becomes greater than or equal to 3 times of MG. Ho gaya answer. Dikh rahi hai aapko sabhi? Dekho ek baar check karo. Are you able to see it? Dekho ek baar check karo. ठीक है बेटा. अभी अगर मान लो किसी ने आपको जनरलाइज पोजिशन पे ही पूछ लिया, अच्छा जनरलाइज पोजिशन पे थोड़ी देर बात करते हैं, पहले आप एक चीज नोटिस करो, वैल्यूज ऑब्जर्व करो. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये तीन पोजीशन बस मैं मार्क कर रहा हूं फिलहाल के लिए. यहां पे इमेजिन करो, सपोजिटली मैंने एग्जैक्टली रूट अंडर 5GL का वेलोसिटी दिया है. ठीक है, एग्जैक्टली. ठीक है, तो इस वाले पोजीशन पे जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा तब का जो वेलोसिटी होगा ये वी नॉट था हमारा. ठीक है, दिस वॉज वी नॉट. तो ये जो वी बी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3GL होगा, होगा ना? हाँ सर. और यहां पे जो वेलोसिटी होगा दिस वाज vc, दिस विल बी रूट अंडर gl, होगा? हां सर. यस सर. ठीक है, तुम अगर नोटिस करोगे जब l हाइट का चेंज हो रहा है, l हाइट का जब चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का वैल्यू रूट के अंदर जो है वो 2 से घट रहा है. देखो पहले 5gl, 5 से 2 घटाओ तो 3 हो गया, 3 से 2 घटाओ देखो 1 हो गया. दिख रहा है आपको? 5 - 2 इज 3. हां सर. ठीक है, तो वो एक ट्रेंड आपको ध्यान रखना चाहिए. दूसरा चीज नोटिस करो, यहाँ का टेंशन जो हमने टेंशन एट ए बोला था, दिस टेंशन वाज 6 mg, अगर क्योंकि हमने इक्वल टू लिख रहे हैं, ग्रेटर देन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी भी रूट अंडर 5g लिया है. तो यहाँ का जो टेंशन होगा, दिस टेंशन वॉज 3 mg एंड यहाँ का टेंशन वॉज ec, दिस वॉज 0. ऐसा ही था ना? यस सर. यस सर. So whenever there is a height change of, whenever there is a height change of L, the tension changes by what factor? 3 mg. दिख रहा है आपको? और हाँ सर. हाँ सर. नीचे वाले पोजीशन से, नीचे वाले पोजीशन से जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन गया उसमें 3 mg घट गया, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से टॉप मोस्ट पोजीशन पे गया तो 3 mg और घट गया. तो मतलब टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पोजीशन पे टेंशन का डिफरेंस कितना होगा? 6 mg का होगा, है ना? हाँ सर. ओके, एक और चीज ऑब्जर्व करो, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन देखो, वहां पे वेलोसिटी के रूट के अंदर जो कोएफिशिएंट है और टेंशन का जो कोएफिशिएंट है mg के टर्म्स में, वो कोएफिशिएंट दोनों का देखो सेम है. vb में रूट अंडर 3gl है और टेंशन में 3 mg है. दिख रहा है दोनों में? यस. बट बाकी किसी जगह पे मैच नहीं करेगा. क्यों? इसका रीजन आपको ऑलरेडी समझाया मैंने, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग जो है उसी में टेंशन इज अलोन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, mg का कोई कंपोनेंट नहीं है. तो टेंशन को आप क्या लिख रहे थे उस पोजीशन पे? m into vb का स्क्वायर बाय l ही तो लिख रहे थे. जब आप vb बाय स्क्वायर बाय l लिखोगे तो ll कट जाएगा और जो 3 था वहां पे वो 3 तो आएगा वहां पे. अगर वहां 5 होता तो 5 आता वहां पे, आता ही नहीं आता? आता सर.
तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो भी टेंशन का कोएफिशिएंट होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो भी टेंशन का कोएफिशिएंट होगा और जो वेलोसिटी के अंदर, रूट के अंदर जो वेलोसिटी का जो कोएफिशिएंट है, वो दोनों कोएफिशिएंट आपका सेम मिलेगा आपको यहाँ पे. समझ आई आपको? हाँ सर. ठीक है, अभी इसको एक बार आपको यहाँ पे समझाया, अब इसको थोड़ा सा और मैं अभी एक बार और दिखाता हूँ आपको, एक जगह और यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को. ये तो ग्रास्प हो गया ना? यस सर. यस. अरे एक चीज और देखो, supposedly ये bottom most position पे मैंने जो velocity दिया है, let us say this velocity is root under n g l, sorry n g l, and this n is greater than or equal to 5, will it complete circle or not? Yes sir. Yes sir. It will complete circle. ठीक है, अब देखो मैं आपको एक trick दिखा रहा हूँ, उससे आप यू नो टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू को ना तुरंत मार्क कर पाएंगे. यू नो जो कॉमन पॉइंट्स है उस पे बात कर रहा हूँ, जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन या वर्टिकल पोजीशन उस पे बात कर रहा हूँ. जनरल पॉइंट पे तो आपको नॉर्मल तरीके से निकालना पड़ेगा, बट मैं इस कॉमन पॉइंट से बता रहा हूँ कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं. तो पहला चीज आपको क्या बताया कि जब भी आप यू नो एक एल लेंथ का हाइट का चेंज करते हैं, तब उस केस में जो वेलोसिटी की वैल्यू घटती है वो रूट के अंदर 2 से घटती है. तो इस पोजीशन पे जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी मार्क करूँ, इसको वी भी लिखें, so this velocity will be root under n minus 2 into gl hoga. Ha sir. Fir jab ye top most position pe pahunchega tab yahan ka jo velocity hoga, is velocity ko agar main vc likh raha hu, vc, so this will be root under aur 2 se ghat jayega, so this will be n minus 4 into gl hoga. Ha sir. Okay. फिर आपको ये भी समझाया था कि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है उसमें जो टेंशन और वेलोसिटी का कोएफिशिएंट होता है वो सेम होता है. तो टेंशन एट बी अगर लिखें तो ये सिर्फ लिख सकते हैं n माइनस 2 mg. समझ आई? राइट? हां सर. और आपको ये भी समझाया, जब भी l लेंथ का हाइट का चेंज होता है तो टेंशन 3 के फैक्टर से घटता है, 3 mg से. तो इसका मतलब टेंशन एट ए पोजीशन अगर लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं टेंशन एट बी प्लस 3 mg लिख सकते हैं, और टेंशन अगर आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पे लिखना है सी पे, तो इसको लिख सकते हैं टेंशन एट बी माइनस 3 एम. समझ आया? हां सर. ठीक है, तो ये चीज जो मैंने आपको उधर रूट अंडर 5 जीएल लेके सिखाया वो आपको जनरलाइज करके भी सिखा दिया है ना, आप यू नो किसी भी एन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. बट हाँ, ये चीज का ध्यान रखना है सर्कल इसमें कंप्लीट करना जरूरी है, और उसके लिए यू नो जो वेलोसिटी होना चाहिए बॉटम मोस्ट पोजीशन पे वो आपका कम से कम रूट अंडर 5 जीएल से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है ना? यस सर. हां सर. ठीक है, चलो ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई है. सर, कोई अगर बी पॉइंट से शुरू करना चाहता है मतलब वो सर्कल तो बी पॉइंट पे तो बी पॉइंट पे रूट अंडर जीएल से ज्यादा देना पड़ेगा वेलोसिटी. सर, 3 जी रूट अंडर 3 जीएल से ना, रूट अंडर जी, अच्छा बी पॉइंट से ना. हां, बी पॉइंट से ना, रूट अंडर 3 जीएल में टॉप मोस्ट पॉइंट होता है. ठीक है, ठीक है सर. बी पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करें तो रूट अंडर 3 जीएल से स्टार्ट करना पड़ेगा या उससे ज्यादा. ठीक है ना? थैंक यू सर. अगर ये 4 पॉइंट से बाहर हो जाए तो फिर तो नहीं कर सकते कुछ ऐसे. क्या 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 फिर से बोलो. अगर ये 4 जो जगह है ना, 4 जगह से बाहर हो गए मतलब वो क्वाड्रेंट की क्वाड्रेंट के अंदर हो गए तो फिर तो ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते हम.
नहीं उस केस में आपको जनरलाइज करके करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल तरीके से, जैसे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे जैसे कर रहे थे तुम। देखो ये शॉर्टकट निकालने से पहले मैंने तो आपको निकालने का तरीका सिखाया ना बाबा, मैं डायरेक्ट सिखाया आपको कैसे करना है, ये सर यहाँ पे तो मेथड है ना आपके पास, राइट? तो फिर ठीक है, सो ये चीज तो हो गया। अभी दूसरी चीज, इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि जैसे अगर उसको सर्कल हम कंप्लीट करवा रहे हैं तो जैसे किसी भी एक आर्बिट्री पोजीशन थीटा पे मान लो आपको वेलोसिटी और टेंशन निकालना है, ठीक है, फाइंडिंग आउट वेलोसिटी और फाइंडिंग आउट टेंशन एट आर्बिट्री थीटा, किसी भी थीटा पे निकालना है आर्बिट्री, तो देखो इस केस में आपका जो डायग्राम था वो कुछ ऐसा था, ये बॉटम मोस्ट पोजीशन से हमने स्टार्ट किया, इसको एक वेलोसिटी वी नॉट दे दिया और ये मान लो थीटा एंगल पे टर्न करके जा चुका है, यहां पहुंच चुका है थीटा एंगल, तो यहां पे इसके पास एक वेलोसिटी भी हो चुका होगा और ये वेलोसिटी वी एट सबस्क्रिप्ट थीटा लिख दिया, ठीक है। अब इस फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक तो टेंशन टी है और यहाँ पे एक mg भी है, ये एंगल वापस से थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और सेंटर की तरफ जो इसको एक्सेलरेशन चाहिए दैट विल बी वेलोसिटी एट पोजीशन थीटा का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय l हो जाएगा। ओके, आपका जो हाइट का चेंज हो रहा है, देखो ये हाइट का चेंज, ये कितने का हाइट का चेंज हुआ है, l into 1 minus cos थीटा ले सकते हैं, ठीक है, तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं वेलोसिटी एट थीटा का स्क्वायर विल बी v नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2g इनटू हाइट व्हिच इज l इनटू 1 माइनस cos थीटा, देखो कैसा लिख सकते हैं क्या, हां सर, हां सर, राइट। अब एट यू नो थीटा वाले पोजीशन पे जब इक्वेशन लिखो क्या लिखोगे, t माइनस ऑफ mg cos थीटा इज इक्वल टू m इनटू वेलोसिटी एट थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय l, और वेलोसिटी एट थीटा तो आपको मिल ही चुका है, तो t की वैल्यू हो जाएगी mg cos theta n plus m into v square by l लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जाएगा v naught का square minus of 2g l into 1 minus cos theta and divided by l, ये आएगा ना, देखो तो, हाँ सर, तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, this is coming out of it, so therefore जो tension आ रही है आपके पास that will be mg cos theta mv square by l, और यहाँ आएगा आपके पास 2mg और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3mg cos थीटा हो जाएगा, तो दिस विल बी 3mg cos थीटा प्लस m v नॉट स्क्वायर बाय l एंड माइनस ऑफ 2mg, देखो तो यार है क्या, हाँ हो गया, तो इससे आपको टेंशन एट आर्बिट्री पोजीशन थीटा भी मिल गया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ इसको रट लो, इतना लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन रटने का जरूरत नहीं है, बट मेथड याद रखो, जस्ट दो ही लाइन तो है, एक है पहले आपको वेलोसिटी निकाल लेना वी स्क्वायर इक्वल टू यूज़ टाइम एस टू जी एच यूज करके, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय कर लेना है, समझ आई आपको, हाँ ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, आपने अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए हमसे देना है, अगर मैं आपसे कोई पूछे कि मुझे ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जस्ट पहुंचाना है तब कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, आप कैसे डिटरमाइन, बताओ, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, एग्जैक्टली फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो करेंगे, सो कंडीशन फॉर मेकिंग द बॉब रेस्ट्रिक्टेड बिलो द horizontal position of string, horizontal position of string
ठीक है. सो व्हाट यू रिक्वायर इज बेसिकली ऐसा कुछ सिचुएशन कि आप यहाँ पे एक पोजीशन पे आपने एक बॉब को लिया और आपने यहाँ पे एक वेलोसिटी दिया है जिसको आप वी नॉट कह रहे हो एंड यू वांट दैट इट शुड नॉट क्रॉस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब इट शुड बी समवेयर बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके नीचे रहना चाहिए. मतलब इट शुड नॉट बी एबल टू क्रॉस. तो नॉट बी एबल टू क्रॉस के लिए जस्ट अगर इसको पहुंच गया, जस्ट पहुंच गया, मतलब अगर मैं इसको बोलूं वेलोसिटी एट बी जस्ट जीरो हो गया, तो फिर उस केस में ऑब्वियसली इसको क्रॉस नहीं किया है ना. अब देखो अगर वेलोसिटी यहाँ पे उसके देखो अगर मैं वी स्क्वायर इक्वल टू वीबी का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी इंटू एल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते यहाँ से. और ये वेलोसिटी जीरो कर लिया तो वी नॉट क्या हो गया आपका, वी नॉट बिकम्स रूट अंडर टू जी राइट. राइट. तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं सो देयरफॉर इफ वी नॉट का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर टू जी एल, क्या ये क्रॉस करेगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन को? नहीं करेगा सर. नहीं करेगा. तो नहीं क्रॉस करने का कंडीशन ये हो गया. सो इफ वी नॉट इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर टू जी एल देन बॉब विल नॉट क्रॉस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग. Horizontal position of string. Got it? समझ आ गई सबको? हाँ सर. Yes. अब देखो, अब आपको रेंज कैसे पता चलेगा? देखो, एक है वेलोसिटी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू रूट अंडर टू जी एल, मतलब जीरो से लेके अगर रूट अंडर टू जी एल इस रेंज में आपने कोई भी वेलोसिटी दे रखा है, जीरो से लेके रूट अंडर टू जी एल के बीच में कोई भी वेलोसिटी अगर आपने दे रखा है तो उस केस में बॉब हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्रॉस नहीं करेगा. अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्रॉस नहीं करेगा तो वापस नीचे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा सर. अब अगर वापस नीचे आएगा तो फिर से मीन पोजीशन को क्रॉस करके फिर से दूसरी तरफ भी जाएगा. हाँ सर. तो इस केस में ये क्या कैसा मोशन परफॉर्म करेगा? ऑसिलेटरी ना? यस सर. तो अगर आपको कभी भी वेलोसिटी रूट अंडर 2gl से कम दिखता है तो आप ये श्योर रहना कि पाथ तो सर्कुलर है बट पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और वो एक यू नो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट द बॉटम मोस्ट पोजीशन. समझ आई आपको? सो इफ दिस कंडीशन इज मेट, इफ दिस कंडीशन इज मेट, कंडीशन इज मेट देन द बॉब will perform oscillatory motion about the vertical position of string. clear hai. ab dekho अब कंडीशन फॉर स्लैकनिंग ऑफ स्ट्रिंग करते हैं. कंडीशन फॉर स्लैकनिंग ऑफ स्ट्रिंग. अब बताओ मुझे स्ट्रिंग स्लैकन करने के लिए वेलोसिटी कितना होना चाहिए? बताओ. रूट 5gl से कम और रूट 2gl से ज्यादा. सिर्फ रूट 5gl से कम बोलोगे तो नहीं होगा ना. रूट 5gl से अगर आपने कम लिया है और रूट 2gl से भी कम लिया है तो क्या स्ट्रिंग स्लैक करेगा कभी? नहीं सर, ऑसिलेट करेगा, टाइट रहेगा. ऑसिलेट करेगा, टाइट रहके ऑसिलेट करेगा. तो ये चीज कंडीशन क्या हुआ आपका? कंडीशन फॉर स्ट्रिंग स्लैकिंग क्या है? इफ वेलोसिटी अगर वैल्यू 2gl बट लेस देन और इक्वल टू रूट 5gl, रूट 5gl then bob crosses the horizontal position of string, position of string. But
won't be able to reach the vertical position. Reach the vertical position as slack somewhere in between. ठीक है, अब इस कंडीशन देखते हैं. Let us see circle over it. So what I'm doing is I'm taking it. Oh, okay. बॉटम मोस्ट पोजिशन पे आई हैव गिवन इट अ वेलोसिटी रूट अंडर एन जी एल. एन जी एल वेर एन इज ग्रेटर देन टू बट लेस देन फाइव. ठीक है, तो क्या सर्कल कंप्लीट करेगा ये? नहीं करेगा. ठीक है, इट्स श्योर दैट इट्स नॉट कंप्लीटिंग सर्कल. अब मैं क्या किया, उसको एक आर्बिट्री पोजिशन पे लेके चला गया. यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ही वो सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा है. अच्छा, थोड़ा सा नीचे मान लेते हैं, यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे ही टेंशन जीरो होने की बात कर रहे हैं. सो लेट्स से कि यहाँ पे दिस इज वेलोसिटी एट दिस पोजीशन थीटा. ठीक है, ये वर्टिकल से थीटा लिया सर हमने, तो ये वेलोसिटी एट पोजीशन थीटा मार्क कर लेते हैं. ये वेलोसिटी एट थीटा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, बस हाइट का चेंज आपको देखना है. आप देखो, आपको हाइट का चेंज तुरंत मिल रहा है क्या? एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा दिख रहा है आपको? हाँ सर. हाइट का चेंज इज एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा. L into 1 plus cos theta. ठीक है, तो ये वेलोसिटी का वैल्यू आप तुरंत से निकाल सकते हैं. कैसे? v square equal to u square minus 2gh यूज करके. ठीक है, ये वेलोसिटी मिल जाएगा आपको. अब फोर्सेस दिखाओ यहाँ पे. फोर्सेस में आपको क्या क्या पता चल रहा है? एक mg तो लगी रही है. mg is acting vertically downwards. This angle is theta. So there would have been a tension in general. Tension होता और एक mg का cos theta भी होता. ठीक है, और एक सेंटर की तरफ इसको एक्सेलरेशन भी चाहिए. तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए जो उसको v स्क्वायर बाय या v थीटा का स्क्वायर बाय l चाहिए. ठीक है ना? राइट? बट अगर ये टेंशन जीरो हो गया, इफ दिस टेंशन हैज बिकम जीरो, तो इसका मतलब इसके बाद क्या ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर पाएगा? विल इट फॉलो दिस पाथ? नो सर. नो सर. तो इसको शेडेड कर दे रहा हूं. ठीक है ना, ये पार्ट तो नहीं रहेगा ना उसका. आई गेटिंग इट? ठीक है, हमने स्टार्ट किया था बॉटम मोस्ट पोजीशन से. हमने स्टार्ट किया था इसको बॉटम मोस्ट पोजीशन से, बट उसके बाद फिर तो ये इस पाथ पे तो उसने तो यू नो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, सॉरी टेंशन तो जीरो हो गई है. और टेंशन अगर जीरो हो गई तो उसके इसमें वो अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा. और सर्कुलर पाथ छोड़ेगा तो कैसे पाथ में गिरेगा? पैराबोलिक में. तो इसका पाथ कैसा दिखेगा आपको? एक पैराबोला दिखेगा. सो दिस विल बी अ पैराबोला एंड ये पैराबोला में जाके यहाँ कहीं लैंड करेगा. समझ आ रही है? ये जो पाथ हमने दिखा रखा है क्या है? पैराबोलिक है. एकदम बिल्कुल देखो प्रोजेक्टाइल की तरह होगा. समझ आ रही है आपको? हां सर, वो वी से निकल जाएगा. और जब ये जैसे यहां पहुंच जाएगा, जैसे यहां पहुंच जाएगा तो वापस से इसको सर्कुलर पाथ में लेके आ जाएगा ऐसा, क्योंकि ये स्ट्रिंग छोड़ के तो भाग नहीं सकता ना. आई गेटिंग इट? यस सर. हां सर. तो ये वापस से देखो यहां पे सर्कुलर पाथ में आ जाएगा. इट विल लैंड बैक ऑन द सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो ये इस तरह का सिचुएशन इसका दिखने वाला है. ठीक है, इस केस में ऑब्वियसली इसका यहां पे जब ये यहां पे पहुंचेगा, यहां पे जब पहुंचेगा, सोचो जब ये यहां पे पहुंचेगा तब इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा टेंजेंट के अलोंग. ठीक है, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होगा. तो लेट अस से यहाँ का कुछ एक वेलोसिटी है, लेट अस से v है. ठीक है, अब ये वेलोसिटी v है तो इसके आप दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं. एक है टुवर्ड्स दी सेंटर, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर अदर ऐसा कुछ, एंड एक है आपका पैरेलल टू सेंटर. इसको आप कह लो ये रेडियल कॉम्पोनेंट है, मतलब इसको वी परपेंडिकुलर कह सकते हैं. और एक कॉम्पोनेंट आप इधर कर लो वी पैरेलल के लो. देखो वी परपेंडिकुलर सडनली जीरो होगा ना? होगा नहीं होगा, क्योंकि v परपेंडिकुलर देखो उसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, सर्कल से भी दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है. बट सिंस ये स्ट्रिंग से बाउंडेड है, क्या ये सर्कल से छोड़ के दूर जा सकता है? सर्कल के अंदर तो रह सकता है बट सर्कल से दूर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता सर. नहीं, तो तुम ये सोच के देखो ये जो कॉम्पोनेंट हमने दिखा रखा है, ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, ये सडनली जीरो होगा या नहीं होगा? सडनली होगा सर. और अगर ये सडनली जीरो होगा तो स्ट्रिंग अचानक से टाइट होगा या नहीं? यस सर. हां सर.
और इस केस में एनर्जी का लॉस भी हो जाएगा ना, क्योंकि एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सडनली जीरो हो गया, तो उस केस में किसकी वजह से हुआ? टेंशन की वजह से तो हुआ ना, तो टेंशन ने यहाँ पे इसके ऊपर क्या किया, एक सडनली एक छोटे से ड्यूरेशन में उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दी, तो वहां पे उसने वर्क परफॉर्म किया ही नहीं किया और उसको जीरो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वही था, एमजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि एमजी इज अ नॉन इंपल्सिव फोर्स। तो टेंशन ने यहाँ पे इस इंस्टेंट पे वर्क किया देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री नहीं है ना, है क्या? नहीं सर। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन वर्क परफॉर्म कर सकता है, समझ आ रही है आपको? ठीक है, दिस विल बी एन इंपल्सिव टेंशन। यहाँ पे जो आएगा ये एक इंपल्सिव टेंशन आएगा, और वो आपको समझाया क्यों आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा सडनली जीरो हो जाएगा, दिस विल सडनली बिकम जीरो, सडनली बिकम्स जीरो। तो अगर आपसे पूछे कि यू नो कि इस स्ट्रिंग ने कितना इंपल्स प्रोवाइड किया, तो बस m into v perpendicular कर लेना था उसके इसमें, समझ आई? क्योंकि v perpendicular तो जीरो हो जाता ना। Yes, sir. समझ आई? ठीक है, एनीवे चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली मुझे ये निकालना है कि किस पोजीशन पे यू नो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा जहां पे स्ट्रिंग स्लैक कर रहा है। तो कंडीशन तो क्लियर है, उसको यूज करते हैं हम। कंडीशन लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे। सो पहले तो v थीटा का वैल्यू लिख लें, तो v थीटा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2g l into 1 plus cos थीटा। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो आपने वेलोसिटी का रिलेशन लिख दिया। अब आप टेंशन के लिए लिखो, सो टेंशन प्लस mg cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू m into वेलोसिटी एट पोजीशन थीटा का स्क्वायर बाय l। अब टेंशन हमारा जीरो हो गया ना यहाँ पे, है ना? स्ट्रिंग स्लैक किया है, एम भी कट गया, और देखो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है v थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल कॉस थीटा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से v थीटा का स्क्वायर को इक्वेट कर दो, तो व्हाट यू गेटिंग इज v नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2gl into 1 plus cos theta इज इक्वल टू यहाँ से आ रही है gl into cos theta। ठीक है ना, देखो एक बार। हाँ सर। और v नॉट का स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v नॉट का स्क्वायर कितना था ngl, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये लिख लिया हमने ngl। देखो gl का फैक्टर सब में कॉमन है, काट देते हैं, तो यहां से आ रहा है आपके पास n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। सो देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू आ रहा है दिस इज n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट्स इट। बट इट एंगल जाके स्ट्रिंग आपका स्लैक करेगा। जैसे अगर मान लो सपोजली आपको n का वैल्यू, सपोजली मैंने बॉटम मोस्ट पोजीशन पे सपोजली वेलोसिटी का वैल्यू आपको रूट अंडर 3gl, रूट अंडर मान लो कि 5gl ही दे दिया है, ठीक है, 4gl दे दिया है, ठीक है, जो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी है दैट इज 4gl, रूट अंडर 4gl। तो देखो अगर बॉटम मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी इज रूट अंडर 4gl, तो n का वैल्यू तो 4 हो गया, 4 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 माइनस 2 इज 2, 2 बाई 3 आ रहा है। तो बेसिकली cos इनवर्स 2 बाई 3 वाला एंगल पे वर्टिकल से बेसिकली आपका स्ट्रिंग क्या होगा, आपका स्लैक करेगा। समझ आया? हाँ सर। सबको समझ आ रही है बेटा? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है बेटा। ठीक है, गुड। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, देखो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, कि स्पीड भी चेंज है, ठीक है ना? हाँ सर। राइट, तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन मैंने दिखाया है वो सारा एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल दिखाया है, बट आप ये याद रखो कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एमजी का ही कॉम्पोनेंट जो पैरेलल टू टेंजेंट है ना? यस सर। नहीं होगा सर। हाँ सर। राइट, जैसे हम तो अभी तक क्या कर रहे थे, mg का बस वो कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे थे जो टुवर्ड्स द सेंटर था या अवे फ्रॉम द सेंटर था, बट एक और कंपोनेंट है जो अलोंग द टेंजेंट है, और वो कंपोनेंट की वजह से बेसिकली उसकी स्पीड चेंज होगी। तो ये बेसिकली एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। अगर आपसे पूछे कभी भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल नहीं लेना है, आपको टेंजेंशियल भी लेना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ mg के कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, और सेंट्रीपिटल mg और टेंशन दोनों की वजह से आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, जैसे ध्यान रखिएगा, नोटिस दैट सिंस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज
a non-uniform circular motion, it has tangential acceleration due to component of mg along tangent. Aur dusra centripetal acceleration to tension as well as component of mg along the radius. समझ आई आप सभी को? हाँ सर. ठीक है ना? हाँ सर. ओके. दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे एक चीज सोच के देखो, जैसे आपने जो ये याद कर लिया क्यों कि ये सर्कल अगर इसको कंप्लीट करना है तो हमें बॉटम मोस्ट पोजीशन पे कम से कम जो वेलोसिटी देना पड़ेगा वो रूट अंडर 5gl देना पड़ेगा. बट ये ध्यान रखना, ये कब के लिए मैंने सिखाया आपको, कब के लिए, कंडीशंस क्या थे याद है आपको? ये दोनों केस है ना? है ना? Yes, sir, हाँ. सेकेंड वाला केस भी फर्स्ट वाला केस ही है ना? स्क्रीन चला गया. ओके, अभी देखो आ रहा है? हाँ सर. ठीक है. अच्छा अभी देखो, इसमें ये तो फर्स्ट डायग्राम जो आज मैंने बनाया था, ये दोनों ही डायग्राम बनाया था ना, आपको समझाया ना कि सेकंड डायग्राम भी बेसिकली फर्स्ट डायग्राम के जैसा ही है. जो फर्स्ट डायग्राम में टेंशन जो रोल प्ले कर रहा है, सेकंड डायग्राम में वो कौन है? नॉर्मल रिएक्शन प्ले कर रहा है ना? यस सर. राइट सर. तो फर्स्ट डायग्राम का आपने जो भी रिजल्ट्स पढ़ा है वो सारा रिजल्ट्स आपका सेकंड डायग्राम में भी यूज हो जाएगा. तो इसमें जैसे कहते हैं स्ट्रिंग स्लैक नहीं करना चाहिए, सेकंड वाले डायग्राम में आप क्या बोलोगे? नॉर्मल रिएक्शन कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यही तो बोलोगे ना? हां सर. हां सर, ये तो बोलोगे. नॉर्मल रिएक्शन, अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो क्या होगा? वो ट्रैक को छोड़ देगा ना, और ट्रैक को छोड़ देगा तो पैराबोलिक बन जाएगा फिर से. समझ आ रही है? यस. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि जैसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए दो चीजें हैं, या तो स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे हैं और या फिर एक ट्रैक पे रख के उसको बेसिकली गोल गोल घुमा रहे हैं. तो इन ईदर केस, अगर आप स्ट्रिंग से बांध के रखे हैं तो टेंशन उसको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ट्रैक पे रख के कर रहे हैं तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. नाउ एक और तरह के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं आपको, एक और तरह का है, वो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है इससे. कैसे? इमेजिन करो, सपोजिटली आई रिप्लेस दिस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दें एक मासलेस रॉड से, मतलब एक रॉड से रिप्लेस कर दिया, उसका मास नहीं दिया आपको, मासलेस है, मतलब एकदम जीरो मास का. सोचो, विल आर रिजल्ट्स बी सेम और देयर विल बी सम डिफरेंस? आप सोच के बताओ. एक मासलेस रॉड है और उससे इस बार अटैच करके उसको सर्कुलर मोशन करवाएंगे, क्या सारा कंडीशन सेम होगा या कोई डिफरेंस भी आएगा? डिफरेंट आना चाहिए ना. मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचिए और जस्टिफाई भी करिएगा उसको. टेक वन मिनट टाइम, थिंक एंड देन जस्टिफाई. Sir, this condition is applicable for which diagram, first one or second one? First one, obviously. Okay. नहीं सोच पा रहे आप लोग?
आपको रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा, जो भी बोलेंगे रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको. बताओ किसी को नहीं स्ट्राइक कर रहा है? मतलब सर रॉड जो है उसका तो सर लेंथ कांस्टेंट रहेगा, मतलब तो वैसे तो स्ट्रिंग का लेंथ भी कांस्टेंट होता है, वैसे तो स्ट्रिंग का लेंथ भी कांस्टेंट, मतलब सर रॉड तो स्लैक नहीं कर सकता ना. हां, नाउ दिस इज सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर सेइंग, रॉड कभी स्लैक नहीं कर सकता. मतलब कि सोच के देखो, जैसे हम ये कह रहे थे, जैसे इसी पे सोच ले स्लैक कर लगा, जैसे से एक मिनट रुको मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं. तो उसके बाद फिर ये फ्री फॉल में जाना चाहेगा, बट अगर फ्री फॉल में जाना चाहेगा तो क्या जा पाएगा? उस केस में उसको रॉड को कॉम्प्रेस करके जाना पड़ेगा ना, होगा नहीं होगा? क्योंकि सोच के देखो, अगर मैं इसको अगर सोच के देखो ये रॉड ही है, सपोजली ये रॉड है, इमेजिन करो, तो अब ये यहाँ पे आ गया तो देखो तो रॉड छोटा हो गया नहीं हो गया? छोटा. हाँ सर छोटा हो गया. हाँ सर. रॉड छोटा हो गया तो क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है रॉड छोटा हो जाए? रॉड तो रिजिड है, तो क्या छोटा हो सकता है? नहीं सर. नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्ट्रिंग में स्लैक तो, मतलब रॉड को आप स्लैक तो कर सकते हैं, बट स्लैक करने के बाद भी वो पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा. वो क्या करेगा? सर्कुलर पाथ ही फॉलो करता रहेगा. इसका मतलब अगर सर्कुलर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब टेंशन कभी जीरो हुआ ही नहीं इस केस में. ये तो मतलब निकला ना? राइट? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर रॉड से अटैच करके आप इसको सर्कुलर मोशन करवा रहे हो, तो कंडीशन ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि टेंशन जीरो होना चाहिए. कंडीशन ये है कि वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, इमेजिन करो इस थीटा वाले पोजीशन पे ही वेलोसिटी जीरो हो गया, तो क्या ये और ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा सर. इसका मतलब वहीं से नीचे गिर जाएगा. इसका मतलब वहीं से नीचे गिर जाएगा. आर यू ऑल गेटिंग इट? यस सर. इसका मतलब इफ द स्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अ रिजिड रॉड, मासलेस ऑफ कोर्स, मासलेस रिजिड रॉड, देन द कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन चेंजेस. द कंडीशन नो लॉन्गर इज कि टेंशन जीरो, यू नो, हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए. सॉरी, द कंडीशन इज कि वेलोसिटी हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए. समझ आई आपको? समझ आई? यस सर. ठीक है. अच्छा ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको रॉड का एग्जांपल बताया, क्या आप ऐसा सोच के ऐसा ही कुछ एग्जांपल इसमें बता सकते हैं क्या? ये सरफेस वाले में, ट्रैक वाले में, ट्रैक में सिचुएशन विजुलाइज कर सकते हो? बताओ, कैन यू विजुलाइज सच एन एग्जांपल फॉर दिस केस? नहीं सर. मेरी गो राउंड. मेरी गो राउंड वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट बेटा. नहीं, नो, मेरी गो राउंड वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या, जैसे आप इमेजिन करो एक सर्कुलर ट्यूब होता है, ऐसा ट्यूब, मतलब ऐसा एक इनर वॉल, नहीं इनर वॉल आउटर वॉल दोनों हो जिसमें, ऐसा इमेजिन करो ऐसा. अब आप सोच के देखो, ये ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर की तरफ फेंका है आपने, तो अब दो वॉल है, देखो एक इनर वॉल है, एक आउटर वॉल है, दिख रहा है आपको? हाँ सर. ठीक है, अब इमेजिन यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी, सपोजली यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा था, मतलब यहाँ से सोचो, यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन हो रहा था ये जीरो मिल गया, तो उस केस में हम क्या बोल रहे थे? ये पैराबोलिक पाथ में ऐसे लैंड कर जाएगा, ऐसे बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? बोल रहे थे. बट आप खुद ही सोच के देखो, क्या ये इस नीचे गिर पाएगा? यहाँ पे तो एक और सरफेस है ना, ये देखो एक और सरफेस है या नहीं है? हाँ सर, नहीं गिर पाएगा. तो क्या एग्जैक्टली तो ये तो वैसे ही केस हो गया ना, कि इसको जैसे इस केस में सोचो, मैंने आपको क्या समझाया था कि बेसिकली जब ये इधर जाना चाह रहा था तो रॉड उसको नीचे अंदर आने नहीं देगा, वही समझा रहा था मैं उसको, है ना? तो इसमें भी तो वही सिचुएशन हो रहा है. ये जो नीचे अंदर वाला जो सरफेस है, अंदर वाला जो सरफेस है, वो ब्लॉक को सेंटर की तरफ आने ही नहीं देगा, मतलब अंदर घुसने नहीं देगा, तो दोनों ही तो सेम सिचुएशन हो गया ना? यस सर. गॉट इट? तो इस तरह के सिचुएशन में आपको विजुलाइज करना है, बेसिकली यही चीज विजुलाइज करना है कि ये दोनों केस सिमिलर हो गया है, मतलब ये जो इनर वॉल आप एक और डाल दे रहे हो, तो वो बेसिकली ये केस आपका उस रॉड से सिमिलर हो जा रहा है. ठीक है? हां सर. तो ये सर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा कंसेप्ट में. ठीक है?
मैं लिख दे रहा हूं, इफ द स्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अ मासलेस रॉड और द सर्कुलर ट्रैक is replaced by a tube, vertical tube, vertical fixed tube, then the object will never be able to leave the circular track. In such cases, the condition for completing the vertical circle would be that the object should have a non-zero velocity everywhere till it reaches the topmost point. ठीक है, तो इसके लिए जब आप मिनिमम वेलोसिटी निकालोगे तो कैसा दिखेगा ये, अब ये दिखा देते हैं आपको। देखो ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो यहां पे इस बार हमारे पास एक रॉड है, दिस इज अ रॉड नाउ, मासलेस है, और यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, दिस इज वी नॉट, ये लेंथ एल का है, and you are considering this to be a massless rigid rod hai, theek hai, to agar isko top most point pe hame pahunchana hai, matlab isse pehle yahan pahunch gaya tha to obviously circle complete karega, to ye jo top most point hai ye velocity c bole to this should be greater than or equal to 0, is bar yahi condition hai na, hai nahi hai, hai hai sir, ha to is bar condition ke liye kya condition likhoge, 2 se badhna hota yaad hai velocity aapko, तो यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट बी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर 2gl, राइट? यस सर, एंड ये वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर 4gl, दिखा आपको, तो देखो आपका रूट अंडर 5gl कब होता है, जब स्ट्रिंग होता है, बट ये रॉड वाला केस हो गया तो क्या होगा, रूट अंडर 4gl मिनिमम वेलोसिटी है, समझ आएगी आपको? यस, ठीक है, यही सेम एग्जांपल उसमें भी डबल वॉल वाला केस में भी ले लेना, मैं ड्रॉ कर देता हूं नहीं तो आप भूल जाओगे। सर हाई स्पाइन में जीरो जाएगा तो खड़ा हो जाएगा ना, मतलब जस्ट बेटा हम यही मानते हैं ना कि जस्ट थोड़ा सा बड़ा ले लो, वही वापस से वो डायलेमा वाला केस है, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस जो समझाया था आपको, यू नो कि अगर हिलाने का केस भी बोले तो लिमिटिंग लेते हैं, नहीं हिलाने का केस भी बोले तब भी लिमिटिंग लेते हैं, लेते नहीं लेते, हां सर ठीक है, वैसे ये जस्ट वो मतलब ये बेसिकली वो मतलब ये क्या बोलते हैं डायलेमे वाला केस है और कुछ नहीं, सो दिस इज अ ट्यूब, बोल रहा हूं तो ध्यान रखना कि ये इसका आउटर वॉल भी एक है, सेकंड आउटर वॉल, एंड इसका एक इनर वॉल भी है, ये दोनों वॉल है, ये दोनों ही सरफेस आपके फिक्स है, ठीक है, अभी यहाँ पे सेंटर है, इसको ये तो बनाने का जरूरत नहीं, सिंपली सी लीजिए, और यहाँ पे आपका बॉब स्टार्ट करेगा, यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, इसको हमने यहाँ पे एक वेलोसिटी दी है, तो दिस वेलोसिटी अगेन वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, रूट अंडर 4gl, समझ आ रही है आपको? Yes. है ना? ठीक है, इसमें अगर आप नोटिस करोगे
तो एक सर्टेन पोजीशन तक, एक सर्टेन पोजीशन तक इसमें यू नो अगर मान लो कि आपने वेलोसिटी को रूट अंडर 4gl से कम भी दिया है, सपोजली 4gl से आपने कम दे दिया वेलोसिटी, तो उस केस में वर्टिकल पोजीशन पहुंचने से पहले, इसमें पहुंचने से पहले कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता ना, होता नहीं होता ठीक है, बट इस केस में आप सोच के देखो इसमें क्या होता ना, इसमें अगर आप सपोजली वेलोसिटी को रूट अंडर 4gl से कम देते हो तो इनिशियली तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ना वो यहां से आएगा, नीचे वाले सर्फेस से आएगा, ये नीचे सर्फेस से भी आएगा, यहां से आएगा, बट इमेजिन करो कि ये वाला पोजीशन था जहां वो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, मतलब यहां का नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, बट वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, वेलोसिटी जीरो नहीं है तो और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो अब देखो यहां से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, दिख रहा है आपको? हां सर, आर यू गेटिंग इट? मैं जब समझा रहा हूं कोशिश कर रहे हैं आप? हां सर, तो इनिशियली जो होगा वो नीचे वाले सर्फेस से रिएक्शन मिलेगा, बट बाद में क्या होगा, ऊपर वाले सरफेस से रिएक्शन मिलेगा, समझ आ रही है? हाँ सर, ठीक है, बट ये तभी होगा जब उसका सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं है, मतलब रूट अंडर 4gl से कम आपने दे रखा है, ठीक है, तब का ही है। हाँ सर, चलो ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अब इस पे बेस करके कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं, ठीक है, थ्योरी में बस इतना ही है, सर्कुलर मोशन में और कुछ थ्योरी में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, अब बस इसके एग्जांपल्स ही आपको करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल पहले इमेजिन करो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को हमने ऐसे बांध रखा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये लेंथ एल है, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक कांटा लगा हुआ है, मतलब नेल, जिसको आप बंगाली में कील बोलते हैं, तो यहाँ पे मान लो आप एन एक नेल है, ठीक है, दिस इज अ नेल, this is a nail which is fixed over here and this nail is supposedly at a height h below the point of suspension, theek hai, usne question mein ye keh rakha hai ki bob ko humne release kar diya hai rest se, bob ko rest se release kiya hai, the bob is released from rest, find a relation between H and L such that the bob completes vertical circle about nail. Nail के about उसको vertical circle complete करना है। आपको question समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले बताओ ये question समझ आ रहा है या नहीं? हाँ सर, देखो होगा क्या, जब ये स्ट्रिंग खुल के, इमेजिन करो कि पूरा का पूरा खुल के ये नीचे तक आ गया, ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा पहुंच चुका है, इमेजिन करो बॉटम मोस्ट पोजीशन तक ऐसा, ठीक है, इट हैज रीच द बॉटम मोस्ट पोजीशन, ऐसा कुछ आ गया है, तो इस केस में आप अगर इमेजिन करो ये यहाँ पहुंच चुका है, तो यहां से यहां तक आया तो सर्कुलर पाथ में तो आया ना, आया नहीं आया? तो देखो इस केस में आपको पता है टेंशन कोई वर्क नहीं कर सकता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू वी स्क्वायर इक्वल टू यूज कर प्लस 2gh यूज करो, हाइट का चेंज एल का हुआ है, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी, यहां पे वेलोसिटी, इसको अगर वी नॉट कह रहे हैं तो ये रूट अंडर 2g * l होगा, नहीं होगा? होगा, ठीक है, l हाइट का देखो चेंज हुआ है, उस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इस वर्टिकल पोजीशन पहुंचने में l हाइट का चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी रूट अंडर 2gl। अब देखो, अब सोच के देखो, ये वाला जो पोर्शन है, देखो मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो येलो कलर से देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन फिक्स हो गया नहीं हो गया, सोचे देखो, क्योंकि वहां पे नेल आ गया है, तो नेल तो उसको जाने ही नहीं देगा, क्या जाने देगा वो वाला पोर्शन को? अब किस पॉइंट के अबाउट जो लोअर पोर्शन है वही तो बस घूमेगा ना इसके बाद, तो लोअर पोर्शन के अगर घूमेगा तो देखो इफेक्टिवली अचानक से तुमको दिखेगा कि इसका जो जो रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन है छोटा हो गया अचानक से। आर यू एबल टू विजुअलाइज इट?
तो समवेयर लाइक दिस ये ऐसा एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा. गेटिंग द आइडिया? यस सर. यस यस सर. यस सर. ठीक है, तो ये सोच के देखो इसका जो रेडियस है ये रेडियस कितना आ रहा है? एल माइनस एच आ रहा है क्या? तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए कंडीशन क्या था याद है आपको? वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर 5g टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस व्हिच इज l माइनस h, राइट? यस. हो तो क्या कंडीशन? सो 2l शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5l माइनस 5h, सो देयरफॉर 3l शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5h. हो गया आंसर? तो मैंने तो पूछा था l और h का रिलेशन क्या होना चाहिए, मिल गया रिलेशन l और h. देखो कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? तो एक बार कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं ना? नो सर. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A bob is tied to an ideal string and given a velocity of 4g at bottom most position where l is the length of string. Find पहला, नंबर वन, चेंज इन व्हेन चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड horizontal position of string. Horizontal position of string. ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है the net acceleration at the horizontal position of string. Horizontal position of string. कितना आएगा? ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है. चलो जल्दी से ट्राई करो. तो आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो. 3 मिनट का टाइम है आपके पास. बोलेंगे, बोलिए सर. वेलोसिटी
सर क्या क्वेश्चन था पहला वाला? चेंज इन वेलोसिटी सर रूट टू जीएल और नेट एक्सेलरेशन। हाँ अच्छा, और नेट एक्सेलरेशन जी रूट फाइव। ठीक है देखते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 3 मिनट का टाइम दिया था सबको, टाइम दे देते हैं सबका अटेम्प्ट हो जाए, फिर आपको बताता हूँ सही क्या है। सर चेंज इन वेलोसिटी रूट जी एल इंटू टू माइनस रूट टू। ठीक है, अपने आंसर्स अपने पास रखिए अभी सबको, जिनका जिनका जो आंसर आ रहा है अभी तुरंत डिस्कस करते हैं। चलो देखो हो गया 3 मिनट, मैं अभी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। देखो इधर तो ये ध्यान रखो, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है राइट, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नहीं लेंगे, आपको रिवर्ट एंड ऐड करना पड़ेगा, है ना राइट? यस सर। कितने लोगों को ये याद था वेलोसिटी का चेंज मतलब रिवर्ट एंड ऐड करना है? कितने लोगों को याद था बताओ? मेरे को याद नहीं था, थोड़ा बाद याद है। और नेट एक्सेलरेशन मतलब सर्कुलर मोशन है और नेट एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ, मतलब वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल राइट, है ना? है ना? तो यही दोनों करना पड़ेगा आपको। अब तो जब इतना आप रियलाइज करोगे उसके बाद मुश्किल नहीं आएगा। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ये सर्कल ड्रॉ किया, बॉटम मोस्ट पोजिशन मार्क कर रहे हैं, इस बॉटम मोस्ट पोजिशन पे इसकी वेलोसिटी हमने दिखा रखी है, दिस इज वी नॉट विच इज बेसिकली रूट अंडर 4g into l। अब ये horizontal position पे आ जाते हैं, ये horizontal position पे जो इसकी velocity होगी जिसको हम v भी कहते थे, ये कितना हो जाएगा root under 4 minus 2 मतलब 2gl हो जाएगा right? हाँ सर। किसी जल्दी जल्दी marking कर रहे हैं, आपको ये values याद रखने पड़ेंगे कैसे लिखते हैं, नहीं तो फिर आप time waste करोगे unnecessary का। ये velocity भी mark कर लिया, अब आपको क्या पूछा है change in velocity, तो change in velocity जब आप निकालोगे तो सोच के देखो, change in velocity निकालोगे तो आप क्या करोगे, final velocity n plus minus of initial velocity, यही करोगे ना राइट? हां सर। ओके देखो ये है फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज vb, एंड नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज नेगेटिव ऑफ v नॉट, जो कि मैग्नीट्यूड में क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड में तो रूट अंडर 4g ही रहेगा, रहेगा? हां सर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट, इसका मतलब ये आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गया। सो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिस बिकम्स रूट अंडर ऑफ, क्या लिखेंगे आप, वी नॉट का स्क्वायर एन प्लस वी बी का स्क्वायर, यही आएगा ना राइट? हां सर। और ये कितना हो गया ना, रूट अंडर 6 जीएल आ गया। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। हां तो का भी गलत हो गया और अक्षत का भी गलत हो गया, दोनों का गलत हो गया ना। अभी दूसरे पार्ट पे आए, दूसरे पार्ट पे उसने क्या पूछा था हमसे, नेट एक्सेलरेशन पूछा था। ओके अब आपको ये पता है कि एक तो सेंट्रीपिटल होगा ही, ये सेंट्रीपिटल जो कि होगा वी बी का स्क्वायर बाई एल, ये होगा वी बी का स्क्वायर बाई एल, और वी बी का स्क्वायर बाई एल किया मतलब 2g आ रहा है, आ रहा है ना? तो देखो सेंट्रीपिटल है 2g और टेंजेंशियल है जी, सो देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन अगर लिखोगे, नेट एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, tangential का square and plus centripetal का square and that becomes root under 5g। आ रही है? जी बाहर होगा, 5 के अंदर root होगा। हाँ सर। समझ आई? यस। हाँ सर। ठीक है। तो एक भी आपका आंसर नहीं मैच किया इसमें, तो दोनों गलत किया आपने। नहीं, सेकंड वाला मैच किया।
मैच के सेकंड वाला, चलो ठीक है इसकी बात ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट करते हैं देखते हैं। ये मान लेते कैपलेम है और ये स्मॉल एम है और ये आपका रफ है विथ म्यू गिवन, ठीक है। एंड इस बॉब को हमने इनिशियल वेलोसिटी जीरो से यहां से रिलीज कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड मैक्सिमम थीटा फॉर विच द ब्लॉक कैपलेम does not slip, does not slip, ठीक है। अभी देखो ब्लॉक को स्लिप कौन कराएगा, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है ना, राइट, ओके। अब टेंशन तो चाहे आप हॉरिजॉन्टल पोजिशन ऑफ स्ट्रिंग से निकालो या वो जो बॉब से कनेक्टेड स्ट्रिंग है उससे निकालो, दोनों तो एक ही स्ट्रिंग है ना, राइट। आपको पता है वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में टेंशन चेंज करता रहता है, सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, लोएस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे। तो अगर बॉटम मोस्ट पोजीशन पे ये ब्लॉक स्लिप नहीं किया तो क्या कहीं पे भी स्लिप करेगा, नहीं, दैट्स इट, बस आपको ये अगर रियलाइजेशन है तो तुरंत हो जाएगा। देखो तो आप क्या करें, आप सबसे पहले आप अपने बॉब को बॉटम मोस्ट पोजिशन पे लेके आओ, ठीक है। मैं बॉब को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, ठीक है। हाइट का चेंज तो आपको दिख ही रहा है कितना हो रहा है, कितने का हाइट का चेंज है, एल इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ सर, राइट, तो इससे वेलोसिटी भी आपको यहाँ पे मिल गया। ये जो वेलोसिटी होगा, दिस वेलोसिटी विल बी रूट अंडर 2gh लिख सकते हैं ना, ये हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है, ये 2gh हो जाएगा, होगा ना, यस सर। अब देखो यहाँ का टेंशन टी और यहाँ का mg और इसके पास एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए v स्क्वायर बाय l का, तो कंडीशन क्या लिखेंगे आप, t माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू m इनटू v स्क्वायर बाय l, एंड इसको सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो m इनटू g इनटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ये आएगा ना, देखो नहीं 2 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 2mg इनटू 1 माइनस cos थीटा रहेगा, ठीक है ना, हां सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही टेंशन आपको पता है यहाँ पे भी रहेगा, इसमें भी टेंशन वही है, और यहाँ पे सिंस अगर जस्ट स्लिपिंग का कंडीशन की बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब कितना, म्यू टाइम्स ऑफ एमजी, ये तो लिखो गया, हाँ सर, हो तो क्या कंडीशन आपके पास, सो कंडीशन क्या हुआ आपके पास, सोच के देखो कंडीशन क्या हुआ कि जो टेंशन की वैल्यू आपने निकाली यहाँ से, दिस इज 3mg माइनस ऑफ 2mg cos थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ कैपलेम इनटू जी हो गया, दैट्स इट, जी तो सब में कॉमन ही है, कट जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ से देखो आपको cos थीटा के वैल्यू मिल गया, सो cos थीटा इज कमिंग आउट टू बी 3m माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ कैपलेम एंड डिवाइडेड बाय दिस 2, ये आ रही है, दिखा, हाँ सर, हाँ सर, सर 2m रहेगा सर, 2m, yeah. अच्छा m रहेगा, हाँ बेटा m रहेगा, एक स्मॉल m रहेगा, सही कह रहे हैं, m रहेगा, वो मैं गलती से छोड़ गया, क्लियर है सबको, समझ आया, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, एक और टॉपिक,
इसको पूरा बंद नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे पैसेज एक खुला छोड़ना नीचे में जब आप ड्रॉ करेंगे, पूरा बंद नहीं करना। सर्कुलर ट्रैक है बट उसका एक एंट्रेंस है, नहीं तो वहां से मास्क नहीं निकल पाएगा, वहां से डालना है उसको। इस ट्रैक को रेडियस आर कहते हैं। और यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ, और इसका हाइट आपको यहां से ये दे रखा है आपको, से 3R है, ठीक है? दिस इज 3R। दिस एंटायर सरफेस इज स्मूथ, ट्रैक इज पूरा का पूरा स्मूथ है, कहीं पे भी रफनेस नहीं है। नाउ दे हैव गिवन यू द क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड by track at the topmost point of circular track। ये कितना आएगा ये आपको निकालना है, ठीक है? अब देखो, एक तो conventional तरीका है और दूसरा थोड़ा smart work है, ठीक है? smart work जो हमने सीखा था उसको use करेंगे। पहले देखो, ये जो जो टॉप मोस्ट पॉइंट से इसने स्टार्ट किया है, वहां से जब ये बॉटम मोस्ट पोजीशन पहुंचेगा, ये बॉटम मोस्ट पोजीशन जब पहुंचेगा, तब का वेलोसिटी आपको पता है ना कितना होगा? रूट अंडर 2gh, राइट? सो इसको अगर मैं वेलोसिटी v नॉट मार्क कर रहा हूं, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज रूट अंडर 2 इनटू g इनटू हाइट व्हिच इज 3r। समझ आया आपको? समझ आया? हां सर। देखो ये रूट अंडर 6gr है, इज दिस वेलोसिटी सफिशिएंट टू कंप्लीट सर्कल? हाँ सर, है ना? क्योंकि रूट अंडर 5gr ही चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए, तो डेफिनेटली करेगा, ठीक है? अब अभी काम करते हैं, इसको नॉर्मल करेगा। मैं इसको यहां लेके आता हूँ, इस पोजीशन पे लेके आता हूँ। आप पहले ये बताओ कि यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, व्हाट विल दिस वेलोसिटी बी? इसको वी भी मार्क करें, तो क्या इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 4gr होगा? हाँ सर, ठीक है, दिस विल बी रूट अंडर 4g इनटू r। तो क्या ये लिख सकते हैं कि यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन 4mg होगा? होगा सर। हाँ सर। तो क्या यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं 7mg हो जाएगा, 4 प्लस 3, है ना? हाँ सर। मतलब ये 7mg हो गया। और टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए 1 mg, यहाँ का normal reaction अगर लिखोगे, normal reaction at topmost point C जो है, that will be 4 minus 3 into mg, which becomes 1 mg only, यही तो answer हो गया ना? So normal reaction at C क्या answer आ गया? That will be only mg. Got it? हाँ sir, हाँ sir. देखो कितनी जल्दी हो गया है, बट इसके लिए तो आपको रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर रिजल्ट याद नहीं रखेंगे तो वही कन्वेंशनल तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। समझ आई है सभी को? यस सर। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनी कंफ्यूजन? सर पिछले क्वेश्चन में एक था। क्या बोलो? सर एक बार दिखाइए तो अच्छा होगा। सर जो वेलोसिटी आपने एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट में दिया है ना, v is equal to root over 2gh, सर वो कैसे हुआ? ये बात हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, v square equal to u square plus 2gh, क्या लिखते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। इतनी बार कर रहे हैं तो इतनी बार में कंफ्यूजन नहीं हुआ, इसमें खली हुआ नहीं? हाँ सर, इसमें लगा कि वो मतलब 5gh होना, मतलब उससे कंफ्यूज हो। चलो ठीक है, अभी क्लियर है? जी सर। ठीक है, ओके।